हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू व्यूअर्स। आज मैं आपको 30x40 ब्यूटीफुल वेस्ट फेस हाउस का वॉक थ्रू दिखाऊंगा। एंड इसके अंदर टोटल 2 BHK पोर्शन, एक सेपरेट टैंक, वेल है, कुआ एंड मेन डोर। चलिए हम घर के अंदर चलते हैं, लेट अस सी। ऑल क्रेडिट गोज टू द बिल्डर, इंजीनियर एंड थैंक्स टू द हाउस ओनर ऑल्सो। वहाँ पे एक रूम, इधर जो है कंपाउंड वॉल, ये रोड एरिया है 30 फीट। एंड देन एंटर टू द हाउस, ये जो है कंक्रीट बेड, कार पार्किंग, सेपरेट टैंक वहाँ पर देखिए। सो व्यूअर्स, ये जितना भी रूम है पूरा फुल जो है बेड डाला गया है ताकि सेटलमेंट ना हो सके। अगर कुछ रीज़न की वजह से जो है ज़मीन सेटल होता है, ज़मीन के अंदर का जो मिट्टी रहता है ना, कुछ सालों के बाद सेटल हो गए तो आपको दिक्कत कर देता है। जैसा उसे ये प्रॉब्लम होता है कि सही से वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, खोखला बनता है आपके फर्श के नीचे, उस आवाज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं इसकी मदद से। सो पूरा बेड डाले गए यहाँ पर एंड हॉल बहुत कंफर्टेबल साइज 12x18 फीट, बहुत ही खूबसूरत घर। एंड इसके पीछे एक बाथरूम और अटैच टॉयलेट बाथ, और यूटिलिटी जो है यहाँ से यूटिलिटी दिया गया। वहाँ पे सामने एक हैंड वॉश, इधर देखिए एक किचन विद पूजा रूम के साथ, ये जो है पूजा रूम। एंड इधर से यूटिलिटी के लिए जगह दिया गया, वेरी नीट एंड डिसेंट वर्क, ब्रिक वर्क, ब्रिक यूज इस्तेमाल किया गया यहाँ पर लैटेड स्टोन के बदले। इधर जो है मास्टर बेडरूम, यहाँ पर शेल्व्स, साइज ऑफ मास्टर बेडरूम 12x14 फीट, और उधर शेल्व्स आ जाएगा स्टोरेज पर्पस। अटैच टॉयलेट एंड बाथ, फिर अब यहाँ से चलते हैं हॉल के अंदर।
ये और एक बेडरूम, मोस्ट कंफर्टेबल साइज, एंड बाहर से भी एक दरवाज़ा दिया गया ताकि अंदर आने के बाद कोई गेस्ट आए, सिट आउट के जैसा भी आप बना सकते हैं, या फिर एक छोटा ड्राइंग रूम, लिविंग रूम उसके जैसा। लिंटल, ओके, दैट्स इट। वेरी ब्यूटीफुल हाउस, बहुत नीट एंड क्लीन वर्क।